विचार मंच एक आधिकारिक मंच है, जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार का जो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, उसके तहत हम लोग काम करते हैं। और जहाँ जहाँ से माँ गंगा जी बहती है, इन पांच राज्यों से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, या हमारे मंच के कार्यकर्ता माँ गंगा जी के तटों पर स्वच्छता का अभियान चलाते हैं नित्य। हम लोग पिछले 2014 से लगातार माँ गंगा जी की स्वच्छता के ऊपर काम करते हैं। यूँ तो हम लोग पिछले 30 वर्षों से पर्यावरण के ऊपर, वृक्षारोपण के ऊपर, स्वच्छता के ऊपर काम करते हैं, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी ने इस टास्क को अपने हाथ में लिया है तो हम लोगों को बल मिला है। और जो गंगा विचार मंच के लोग हैं, आपके गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक नित्य इसके किनारों पे जाके बहुत स्वच्छता का काम करते हैं। जो कूड़ा इसके आसपास फैला रहता है उसको एकत्रित करते हैं, लोगों को जागरण करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। और हम लोग खासकर जो हम लोग माँ गंगा जी के मायके के लोग हैं, माँ गंगा जी के गांव के लोग हैं, ये उत्तराखंड माँ गंगा जी का गांव भी है, माँ गंगा जी का मायका भी है, तो हम लोग गंगोत्री में काफ़ी हद तक हम लोग पिछले 12 सालों से स्वच्छता के ऊपर काम कर रहे हैं। और एक बार बता दें आपको कि जब माँ गंगा जी के कपाट खुलते हैं अक्षय तृतीया के दिन, ये अप्रैल और मई के बीच में आती है तिथि, तो उसके बाद प्रतिदिन यहाँ 15,000 से लेकर 20,000 श्रद्धालु नित्य माँ गंगा जी के दर्शन करते हैं, इसमें पवित्र स्नान करते हैं, और जिसमें बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु होती है, महिला तीर्थयात्रियाँ वो होते हैं, और उनकी श्रद्धा होती है माँ गंगा जी को फूल प्रसाद अर्पित करना, वस्त्र अर्पित करना, श्रृंगार भेंट करना। तो बड़ी संख्या में लोग माँ गंगा जी में वस्त्र दान करते हैं, श्रृंगार का सामान दान करते हैं, चूड़ी, बिंदी, कंघी, लिपस्टिक, सीसा, ये सब माँ गंगा जी की जलधारा में बहाते हैं, और उनको लगता है कि इससे उनको पुण्य मिल रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों से माँ गंगा जी प्रदूषित होती है, क्योंकि सब केमिकल से बनी होती है। तो माँ गंगा जी इन सब से खुश ना होकर व्यथित होती हैं, तो हम सब लोगों से अपील करते हैं वहाँ जाके, इस तरह की आप जो आप माँ गंगा जी को वस्त्र दान करना चाहते हैं, श्रृंगार का सामान दान करना चाहते हैं, तो माँ गंगा जी की जलधारा में न बहा के उसको मंदिर में दान करें। उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग जो महिला तीर्थयात्री हैं, बड़ी संख्या में वो लोग इस बात को नहीं मानते, क्योंकि जो श्रद्धा उनकी बहुत मजबूत होती है कि नहीं नहीं माँ गंगा जी में वस्त्र जरूर भेंट करने हैं। तो जो श्रद्धालुओं के द्वारा जो वस्त्र बहाए जाते हैं, जो अर्पित किए जाते हैं, वो जगह जगह माँ गंगा जी के आसपास फंस जाते हैं, पत्थरों में फंस जाते हैं, तो हम उसको एकत्रित करते हैं। और जब हम ये ड्राइव चलाते हैं तो एक दिन में करीबन 100 बोरे वस्त्र हम लोग एकत्रित करते हैं। ये सरकारी प्रयासों के साथ भी हम लोग करते हैं, गंगा विचार मंच के लोग जिला गंगा समिति के साथ, और जो यहाँ उत्तरकाशी में जैसे ITBB के साथ, वन विभाग के साथ, हम ये सब कामों को अंजाम देते हैं, यमुनोत्री में इन कामों को हम अंजाम देते हैं। तो हम सब लोगों से प्रार्थना करते हैं कि किसी भी नदी में, माँ गंगा जी हो या दूसरी नदियाँ, किसी भी तरह के वस्त्र नहीं अर्पित करने चाहिए। और बड़ी संख्या में श्रद्धालु जब पवित्र स्नान करते हैं नदियों में माँ गंगा जी में, तो वहाँ पे अपने पुराने वस्त्र भी छोड़ जाते हैं, तो वो जो दृश्य होता है बड़ा कष्टदायक होता है। तो हम लोगों से प्रार्थना करते हैं कि इस तरह के आप पुराने वस्त्र गंगा जी में भेंट ना करें, बल्कि अगर आपको भेंट करना है तो माँ गंगा जी में दूध अर्पित कर सकते हैं और गंगा जल वहाँ से लेके जा सकते हैं, जैसे कि ले ही जाते हैं। और जो हम हिंदू धर्म के लोग हैं, सनातन धर्म के लोग हैं, तो ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ, जिस घर में जल नहीं हो, माँ गंगा जी का जल नहीं होता है, और जिस घर में गंगा जल नहीं है तो वो हिंदू भी नहीं है। तो जब हमारी इतनी बड़ी मजबूत संस्कृति है माँ गंगा जी के प्रति, हम इसको माँ कह के पुकारते हैं, और दुनिया की एक अकेली नदी है जिसको माँ का दर्जा मिला है, तो कुछ ना कुछ इसमें अद्भुतता है, विलक्षणता है, तो इसीलिए इसको माँ का दर्जा मिला है। ये हमारे जन्म से लेके मोक्ष तक हमको ये हमारे साथ रहती है। तो माँ गंगा जी की स्वच्छता के लिए, निर्मलता के लिए हम सबको प्रयास करने चाहिए। और जहाँ तक युवा पीढ़ी की बात है, युवा पीढ़ी को इसमें बढ़ चढ़ के आगे आना होगा, और माँ गंगा जी की जो स्वच्छता है, निर्मलता है, भव्यता है, दिव्यता है, वो इसी तरह से बनी रहे, तो इसके लिए हम सबको प्रयास करना पड़ेगा। वरना एक दिन ऐसा आएगा कि, क्योंकि जैसे कहते हैं कि मैं उस देश का वासी हूँ जिस देश में गंगा बहती है, तो इस देश का जो पहचान है वो गंगा, माँ गंगा जी से है। तो माँ गंगा जी रहेगी तो सनातन धर्म रहेगा, हिंदू संस्कृति रहेगी, हिंदू धर्म रहेगा, ये देश रहेगा। तो हम सबसे अपील करते हैं कि माँ गंगा जी की स्वच्छता के लिए
जो प्रधानमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ें और माँ गंगा जी को स्वच्छ, निर्मल और अविरल बनाए रखें।